We are going to cover the same highlands of Odisha, but this is the highest table top mountain. प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा ये जो डायल लाइट्स हैं ये चलते चलते ऑफ हो जाती हैं। मेंटेनेंस लाइट और ABS लाइट ये सब ऑन हो जाती हैं, तो अगर मेंटेनेंस लाइट बिना वजह ऑन हो रही है वो ठीक नहीं कर पाए। ये देखिए अभी फिर से ये लाइट्स ऑन हो गई हैं डायल की, तो देर इज़ सम प्रॉब्लम विद द वायरिंग एंड द ट्रिप बिगिंस। भाई गजब की फॉग है यार, मतलब विजिबिलिटी हार्डली 10 मीटर्स होगा। जब हमें लगा कि सब कुछ सही जा रहा है तभी हो गया कांड और मेरी बाइक हो गई खराब। 3 आवर्स लेटर खराब हो गया। हाँ वक्त ने कुछ ऐसी साजिश रची कि सीधे 2-व्हीलर से हम पहुंच गए 4-व्हीलर पे। तो मेरी बाइक और चीची की बाइक हमने छोड़ दी शोरूम पे और पाजी और सुजीत भाई निकल पड़े पाजी के घर वापस अपना बाइक रख के और उनका 4-व्हीलर लेकर के आ गए। बट द ट्रिप हैज टू कंटिन्यू एज देयर इज अ सेइंग नो मैटर व्हाट द शो मस्ट गो ऑन। फाइनली 12 घंटे के जर्नी के बाद हम पहुंचे अपने होटल रात के लगभग 11:30 बजे। अगले दिन मस्त नींद के बाद एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े अपने लोकल साइट सीइंग पे। कोरापुट आए और कोरापुट की कॉफी नहीं ली तो आपकी ट्रिप अधूरी है, बिकॉज यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी गार्डन्स आपको मिल जाएंगे। कोरापुट ओडिशा का ये शहर प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा नमूना है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल और झीलें एक दिलकश मंजर तहियत करती हैं। मेरा सबसे बड़ा टेंशन था कि मैं फ्राइडे है आज और नमाज़ पढ़ पाऊंगा कि नहीं, बट आउट ऑफ एवरीथिंग आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू अल्लाह कि यहाँ पे एक मस्जिद मिल गया है और मैं भी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ के, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फाइनली नमाज पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र है और मेरे दोस्तों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। बेसिकली अभी जो मैं नमाज़ पढ़ने आया था वो यहाँ है हैल का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, उसका लोकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कभी यहाँ आते हैं और नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, मस्जिद ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे मौका दिया नमाज़ पढ़ने का और मेरे दोस्तों का जिन्होंने मेरे लिए वेट किया, थैंक यू सो मच गाइस। तो बिना लंच किए हम निकल पड़े यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज बालडा केव्स। बालडा केव्स कोरापुट शहर से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको जाने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं और ये एक फ्लैट प्लेट्यू है, मतलब आप अगर इसकी चोटी पर पहुँचते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एरिया फ्लैट प्लेट्यू के जैसे दिखेगा। ये इतना बड़ा है, माना जाता है कि 5 फुटबॉल मैचेस आप एक साथ खेल सकते हैं इस प्लेट्यू के ऊपर। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बड़े चट्टान के छत पे बहुत बड़ा सा एक सुराग है जो कि इसे और भी स्पेशल बनाता है इसकी अट्रैक्शन के लिए।
अल्दा केव्स के आसपास हैं एंड दिस इज द टॉप ऑफ बाल्दा केव्स। और यहाँ का सबसे खासियत ये है कि इस केव के ऊपर जो रूफ है उसमें एक बहुत बड़ा सा होल है जहाँ से आप अगर आप केव के अंदर हैं तो आपको डायरेक्ट एक्सेस टू द स्काइज होता है। वीरान बंजर जमीन, हेलो हेलो, रुको। तो ऐसे दो बड़े बड़े सुराग हैं इस केव के छतों पे और बहुत ही अद्भुत नजारा है नीचे से भी और ऊपर से भी। This is truly bliss. इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। Just look around. Nature at its best. दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ें दिख रही हैं। वहाँ पे नदी दिख रही है और पहाड़ ही पहाड़। Beautiful. सो ऑन आर वे टू पुत्सिल, जब हम यहाँ रुके हुए थे बायो ब्रेक के लिए, तो वी रियलाइज दैट वी वेर एबल टू सी द इको रिट्रीट पुत्सिल कैंप साइट। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द इको रिट्रीट एट पुत्सिल। और यहाँ से बस थोड़े ही डिस्टेंस में ये जो आप देख रहे हैं द हाइएस्ट पीक ऑफ ओडिशा, दिस इज द देवमाली विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ ओडिशा। यहाँ पे मैं विजिट किया था, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग आपको दिख रहा होगा और ये रहा वो फोटो। एंड ऑन आवर वे वी क्लिक सम अमेजिंग फोटोज, चेक देम आउट। तो यहाँ पे बेसिकली हर 10 कदम में आपको ऐसा लगने लगेगा कि दिस इज द बेस्ट व्यू that I can get. No, again, और आगे जाते ही this is the best view and we were puzzled. Finally, हम आके पहुंचे at the Eco Retreat Putsil site और यहां से ही हमें वो टेबल टॉप माउंटेन का बेस्ट सनसेट व्यू भी देखने को मिलता है। अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं इको रिट्रीट पुत्सिल विजिट करने का तो याद रखिएगा All the Eco Retreat sites are opened from October up to February of next year. कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इन पहाड़ों में आकर सब कुछ सही हो जाता है। सैर कर दुनिया की ऐ काफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी जाए तो ये जवानी फिर कहाँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे है इको रिट्रीट पुत्सिल का कैंपिंग। आप एक बड़ा सा एरिया उन्होंने लिया है जहाँ पे आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं और उसके साथ साथ आप ऐसे सनसेट विटनेस कर सकते हैं जो आपने भी देखा है। हम तो खैर
टू व्हीलर पे आए थे बट कन्वर्ट हो गया फोर व्हीलर पे एंड वी थॉरली एंजॉयड दिस जर्नी. और जब हम चार लोग अभी बैठ के सनसेट होते हुए विटनेस कर रहे थे, इट वॉज एन अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको शायद ही मिलेगा लाइफ में. दिस इज वर्थ इट, दिस इज प्योर ब्लिस. आपके लाइफ में जितना भी टेंशन हो या जो भी परेशानी हो, यहाँ आके एक बार बैठ जाइए शांति से और सब कुछ आप भूल जाएंगे. इन पहाड़ों में कुछ तो ऐसी खासियत है जो आप अपने जितने भी परेशानियों का पहाड़ लेकर के आइए, ये पहाड़ आपके सारी परेशानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस इज प्योर प्लेस. अनएक्सपेक्टेड यू टर्न्स, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स, सडन चेंज ऑफ प्लान्स, सब कुछ हुआ और फाइनली हम यहाँ पे हैं आज. ब्लेस सन किस. मस्त रिफ्रेशिंग सनसेट देखने के बाद हम आ गए अपने माइंड को और फ्रेश बनाने के लिए टू दिस देवमाली कैफे. जी हाँ दोस्तों, जब आप आते हैं यहाँ तो ज़रूर से आइएगा. दिस इज़ अ नाइस लिटिल कोजी कैफे ओवर हियर. आपको हर तरह का कॉफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परोसा जाएगा. टू आवर सरप्राइज, इस देवमाली कैफे में आपके लिए 3 या 4 होटल रूम्स भी हैं जहाँ पे पर हेड पर रूम 2 हेड्स रह सकते हैं. किचन भी है और गैस स्टोव भी है. आप चाहें तो खुद भी खाना बना सकते हैं या फिर इन्हें बोल के भी ऑर्डर दे सकते हैं. मैं होटल के मैनेजर का डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. यू कैन कॉन्टैक्ट हिम बिफोर यू ट्रैवल हियर. ये ट्रिप फन से ज़्यादा हमारे लिए एक लेसन थी. अगले दिन सुबह जब हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो हुआ नहीं और फिर हमें बैटरी ला करके जंप स्टार्ट करना पड़ा. गाइज, अगर आप कोरापुट टाउन में हैं, दिस इज द बेस्ट टिफिन सेंटर दैट यू कैन हैव इन दिस टाउन. ब्रेकफास्ट में अमेजिंग साउथ इंडियन डिशेस मिलते हैं. तो ये ब्रेकफास्ट पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं, एप्पल विला होटल के जस्ट बगल में है. आप गूगल मैप में सर्च कर लें होटल एप्पल विला और यहाँ पहुंच सकते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. सच बताऊं तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा इस ट्रिप से. कुछ तो अधूरा रह सा गया है. मैं आऊंगा दोबारा यहाँ पे अपनी बाइक पे इंशाल्लाह. एक अद्भुत नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे थे रास्ते में तो एक बहुत ही कोई बड़े हस्ती का समाधि है जिनका मतलब एक लाइफ साइज बॉडी स्टैचू बनाया गया है और उनके समाधि के साइड में उनका फेवरेट कार, शायद इसी कार से वो जाना आना करते थे, वो कार भी वैसे ही रखा हुआ है. लेट्स सी. ऐसा सिर्फ यहाँ पे आंध्रा में या साउथ में आपको देखने को मिलेगा कि जिस शख्स का डेथ हुआ है उनकी समाधि लाइफ साइज बॉडी साइज बनाया गया है, उनका फेवरेट कार उनके समाधि के साइड में रखा हुआ है. फाइनली मुझे मेरी बाइक मिल गई और हम अपने बाइक के साथ घर वापस आ गए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू राइड BHP. और कोरापुट ट्रिप में अगर आप जाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा. थैंक यू सो मच.